मॉर्निंग गाइस, तो आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की डिलीवरी लेने, तो आपको दिखाऊंगा कैसी है बाइक, क्योंकि मैं सच बताऊं मैंने चला के नहीं देखी है। मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली, मुझे बाइक पसंद आई और मैंने बुक कर ली। एक महीने से ज्यादा हो गया बुक करे हुए, अब आज डिलीवरी डेट है, तो भाई मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं। अभी थोड़ा सा काम था वो करके जा रहा हूं। वैसे ही पापा कह रहे हैं जल्दी निकलो यार, वो डिलीवरी का टाइम उन्होंने 2 बजे का दे रखा है बीएमडब्ल्यू वालों ने, तो अभी यहां से निकलते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत है दिल्ली में, पता ही है 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे भाई शोरूम पहुंचने में। तो भाई मेरा जा रहा है साथ में, रोनी हाई कर दे एक बार। जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ, ये मेरा भाई है, कभी कैमरा में आया नहीं है, पहले जो मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता था उसमें आया था, है ना। तो अभी थोड़ा सा काम बच रहा है तो वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार, और मैं लैपटॉप लेके चल रहा हूँ साथ में, कुछ काम है थोड़ा सा। पापा गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं, बैठते हैं जल्दी से, तो गालियाँ पड़ेंगी भाई, लेट हो गए ऑलरेडी। पूरा जाम लग रखा है, तगड़ा ही लग रखा है। और फिर मैं सैलून भी गया था, थोड़े बाल बाल सेट करवा लिए ताकि थोड़ा अच्छा लगू ब्लॉग में, है कि नहीं, क्योंकि बार बार तो डिलीवरी लेंगे नहीं भाई की। अब पता नहीं ट्रैफिक कब तक हटेगा यार, हट जाओ भाई, जाने दो मुझे मेरी बीएमडब्ल्यू के पास। अब थोड़ी देर बाद है डिलीवरी, तो अभी शायद यही है अपनी वाली, कन्फर्म नहीं हुआ। वेट कर रहा हूँ अभी यार, मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ कपड़ा हटाने के लिए, मेरे को मेरी बाइक देखनी है। लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेपर वर्क वगैरह होगा। रोनी एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। इसने अभी तक बाइक देखी नहीं है, मतलब वो एक खड़ी थी वहाँ पर, लेकिन अपनी बाइक देखने का मज़ा अलग ही होता है कि नहीं। मेरा अभी काम चल रहा है थोड़ा सा, और जो भैया हमारी डिलीवरी करवाएंगे वो भी आए नहीं है शायद, वेट कर रहे हैं हम लोग अभी आने वाले थोड़ी देर में। इंतहा हो गई इंतजार की यार, वो टाइम लग रहा है सुनने। चलो कोई नहीं, वो था ना एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है थोड़ी सी, ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं थोड़ा, वो है ना कि मेरी पहली स्पोर्ट्स बाइक है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, समझ सकते हो आप लोग भी, है कि नहीं। टाइम आ गया डिलीवरी का, कपड़ा हटाने थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर इंतजार नहीं हो रहा। आया मैं कहाँ से कहाँ तक, मंजिल है मेरी पर दूर। गाइस कैसी लगी बाइक कमेंट करके बता देना और कॉन्ग्रेट्स लिख दो। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी बाइक, अब इसको लेके जाएंगे घर, सबसे पहले फ्यूल अप करवाएंगे, आगे नहीं। रोनी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। बढ़िया क्या रहा भाई, बाइक पे बैठ के नहीं जाऊंगा, गाड़ी में जाऊंगा पापा के साथ। गाइस ये मिला बीएमडब्ल्यू की तरफ से, इसमें कैप है, अब बाइक के फीचर्स वगैरह को समझा रहे थे, बाइक में सब रीड करके आया था वैसे, बट हाँ बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे प्यार सपोर्ट बना रहे, और भी आगे नया नया आता रहेगा। अब सबसे पहले मेरे को हेलमेट लेनी है और इसकी कुछ एक्सेसरीज, तो वो कह रहे थे ऊपर स्टोर है, वहाँ पर जाके देखते हैं एक बार क्या सीन है। तो गाइस ये हेलमेट लिया मैंने, ये पड़ी अराउंड 7,000-8,000 के अंदर, मस्त लग रही है लेकिन, और क्वालिटी भी है। बाकी वो चाहिए था मेरे को क्लच प्रोटेक्टर वगैरह, तो ये कह रहे हैं कि अभी है नहीं, अगले वीक तक आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीक फिर आएंगे वो करवाने के लिए। आया मैं कहाँ से कहाँ तक, मंजिल है मेरी पर दूर। आया मैं कहाँ से कहाँ तक, रुकना ना मुझे मंजूर। आया मैं कहां से कहां तक, मंजिल है मेरी पर दूर। पंडित जी उस तरफ करनी पड़ेगी ना, एक सेकंड कर देता हूं। तो गाइस अपनी बाइक की हो चुकी है पूजा, और देखो कितनी प्यारी लग रही है यार अपनी बाइक, मजा आ गया। और बारिश हो रही है, चलो कोई नहीं, मौसम अच्छा होगा इससे, और बहुत बढ़िया लग रहा है यार। अब घर जाएंगे, मम्मी ने अभी तक बाइक नहीं देखी है ना दादी ने देखी है, मतलब हम घर में पाँच ही है, पापा मम्मी मैं रोनी मेरा भाई एंड दादी, पाँचों रहते हैं। तो मम्मी को पता भी नहीं है कौन सी बाइक है, बस मैंने बोला था कि हाँ बीएमडब्ल्यू की कोई बाइक है, और जाके देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या आएगा। और बढ़िया लग रही है ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड था, और पहले आ गया था पापा और रोनी ना पीछे रह गए थे, क्योंकि दिल्ली का जाम पता ही है, जाम में फंस गया और बारिश आ गई, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, वो आगे निकल गए मिठाई वगैरह लेने के लिए। तो मैंने क्या किया था कि गाड़ी में ना अपना फ़ोन भुलाया था, तो वही मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर नहीं पा रहे थे वो लोग, तो फिर वही था मैं आके, मेरे को पता था कि कौन से मंदिर में पूजा होनी है, तो वो मंदिर में आ गया था पहले ही, और फिर मैंने पंडित जी के फ़ोन से कॉल करवाया कि पापा को कि भाई मैं पहुँच रखा हूँ, आप लोग आ जाओ। अभी इनको टेम्प्रेरी नंबर ही है, जब तक नंबर आएगा, मतलब आरटीओ में मेरे को जाना पड़ेगा पहले करवाने के लिए,
तो शायद मैं कल या परसों जाऊंगा, क्योंकि शोरूम से एक स्लिप आएगी वो दिखानी पड़ती है, पता नहीं क्या सीन है। तो वो जब आएगी तब मैं उसके बाद आरटीओ जाऊंगा, उसका ब्लॉग भी आएगा अभी। अब घर चलते हैं पहले और मम्मी का रिएक्शन लेते हैं क्या आएगा। घर पे पार्किंग में मैंने लगा दी है, यहाँ पे पार्क करेंगे इसको, क्योंकि कवर ओवर लगा के वहाँ है, लेकिन वहाँ गंदी ना हो जाए। और ये अपनी बुलेट खड़ी है यहाँ पे, सबसे पहले बाइक मेरी बुलेट ही थी, तो बहुत मजे दिए बुलेट ने, और अब अपनी कलेक्शन में होगी दो। बस ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखो और भी आएंगे। और सबसे पहले मम्मी का रिएक्शन दिखाते हैं, मम्मी ने बाइक देखी नहीं, रोनी जा मम्मी को बुला के ला। मम्मी ने अभी तक बाइक नहीं देखी, मैंने यहाँ पे लगे दरवाजा बंद रखा था, मम्मी बाद में दिखाऊंगा ब्लॉग में। रिएक्शन आना चाहिए ना ओरिजिनल, ऐसा नहीं कि हाँ भाई पहले बाइक देख ली। बुला देना यार मम्मा। भाई माँ पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रही है मेरी। मम्मी आ जाओ, मेरी नहीं है ये, पड़ोसी की है। तुम्हें ये वाली पड़ोसी की है, उधार लाया हूँ मैं। क्या हुआ, कुछ बोलो तो, याद हो अच्छी लगी तो भी, नहीं लगी तो भी। यार कैसे हो मां? हाँ मेरी है सच्ची। कैसी लग रही है? पक्का? शायद मम्मी को ना इसलिए गम हो रहा है कि पीछे वाली सीट पे पता नहीं बैठ पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बुलेट की तो पूरी कंफर्टेबल है, इस पे पीछे बंदा बैठ नहीं सकता ढंग से। बट हाँ ठीक है, अच्छी लगी मम्मा? थैंक यू सो मच, है ना। मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लिया, अब मस्त चलाएंगे गाड़ी को। पक्का अच्छी लगी है ना मां? पक्का ना? सच्ची कहीं झूठ बोल रही हो? चलो मम्मी को इसलिए लेके नहीं गए थे क्योंकि दिल्ली बहुत दूर था शोरूम, तो इस वजह से अब मैंने चेंज वेंज कर लिया, मस्त लग रहा है। तो गाइस मैं वही बता रहा था कि अपनी कलेक्शन में दो बाइक्स आ गई है, ये अपनी गाड़ी, और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखो, आगे इन फ्यूचर काफ़ी कुछ आएगा। और यार थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखे। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग्स करूँ, तो अब से मैं करूंगा रेगुलर ब्लॉग्स, मोटो ब्लॉग्स भी करूंगा, तो डेली ब्लॉग्स आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, प्यार सपोर्ट दिखा दो, बाकी कमेंट्स कर दो कैसी लगी बाइक। और मैं इसमें ना सिस्टम एग्जॉस्ट वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, मतलब वो फालतू में साउंड वगैरह ज़्यादा मेरे को नहीं है पसंद, ऐसा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी लोगों को पसंद होता है काफ़ी सारा साउंड, मुझे नहीं पसंद पर्सनली, तो इस वजह से मैं नहीं लगवा रहा साउंड वगैरह। बाकी बाइक राइड वगैरह करेंगे मस्त, और भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास सुपर बाइक्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर जाएंगे राइड्स वगैरह करेंगे। और कुछ दिन बाद मैं जाने वाला हूँ हायाबुसा की राइड लेने, मतलब दोस्त के यहाँ, तो फिर उसका ब्लॉग भी आएगा। बाकी ऐसे प्यार सपोर्ट अपना बनाओ और खूब सारा प्यार करते रहो, और बाकी कमेंट में कर दो कैसी लगी। बाकी ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम।